ये देखिए, मींस आपको ऐसा ग्लो दिखेगा कि आप चौंक जाओगे कि एक ही बार में स्किन इतनी ग्लोइंग कैसे हो सकती है, वो भी बिना खर्च किए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, वीक में सिर्फ एक बार इसको अप्लाई करके आप अपनी स्किन से टैनिंग को हटा सकते हैं जो कि धूप में निकलने से हो गई है, स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, अपने स्किन के टेक्सचर को सुधार सकते हैं। दो छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं, 10 या 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगना है। तो चलिए देख लेते हैं रेमेडी क्या है। आप इसको मेरे साथ भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने बालों को कर लिया है टाई, देन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लेना है एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल मेरा बहुत ही फेवरेट है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये स्किन में हाइड्रेशन दे देता है, आपकी स्किन को लूज नहीं होने देता है। अगर आपके फेस पे, स्किन पे एज दिखने लगी है तो आपको एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरह के दाग धब्बे हों उनको रिड्यूस करने का काम करता है। ये सन प्रोटेक्शन भी देता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से 2 रुपए वाला पाउच ले सकते हैं, वो 2 बार आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। हमको इतनी कॉफ़ी की ज़रूरत है। अब मैं इसमें थर्ड एंड फाइनल इंग्रेडिएंट जो ऐड करूँगी वो है दूध। मैं यहाँ पे कच्चा दूध ले रही हूँ। जब सुबह मेरे यहाँ दूध आता है तो मैं निकाल के रख लेती हूँ। ये बहुत अच्छा क्लींज़र होता है, आपकी स्किन को डीप क्लींज कर देता है। साथ ही साथ ये आपके फेस पे चमक लाने का काम करता है, आपका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसको बहुत बढ़िया से निखारता है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। ये हमारा बहुत बढ़िया वाला क्लींजर प्लस स्क्रबर तैयार हुआ है, मींस ये दोनों का काम करेगा। कॉफ़ी एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है, डेड स्किन सेल्स तो रिमूव करता ही है, साथ ही साथ सन टैनिंग को रिमूव करने के लिए ये किसी जादू की तरह काम करता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कॉफ़ी पाउडर के जो दाग होते हैं वो नहीं जाते हैं, इसीलिए कोई डार्क कलर के कपड़े पहन के बैठिए या एकदम रफ कपड़े पहनिए कि वो ख़राब भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको अच्छी तरह से फेस पे अप्लाई करने के बाद तकरीबन 1 मिनट का हमको हल्के हाथों से मसाज दे देना है। इस तरह से सर्कुलर मोशन में या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मसाज देना है, हल्के हाथों से कीजिएगा। देन आपको नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। ये स्टेप आपकी स्किन को एक्सफोलिएट तो करेगा ही, और जैसा मैंने बताया स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा कालापन आ गया है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, उसको रिमूव करने का काम भी ये बहुत अच्छी तरह से करेगा। मींस हमारी स्किन नेक्स्ट स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको अपना फेस क्लीन करके दिखाती हूँ। मैंने फेस वॉश कर लिया है, स्किन पूरी तरह से एक्सफोलिएट हो चुकी है और आप देख सकते हैं फेस में कितना ग्लो आ गया है सिर्फ एक छोटे से स्टेप के बाद। मीन्स 2 मिनट भी मुझे नहीं लगा और फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो ये बहाना करना छोड़ दीजिए कि आपके पास टाइम नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमको अपने लिए एक फेस पैक प्रिपेयर करना है जो कि स्किन पे ग्लो को फिक्स कर देगा, साथ ही साथ दाग धब्बे हटाएगा, स्किन को हाइड्रेशन बहुत अच्छा देगा। तो ये फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा। जी हाँ, मैं गेहूं का आटा, जिसके घर में हम रोटियां खाते हैं, रोज बनाते हैं, वही आटा लेना है। अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फिर से कच्चा दूध। जी हाँ, इतना ऐड करेंगे कि एक बढ़िया सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए। तो मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है कच्चा दूध। करेंगे 1 कैप्सूल विटामिन ई का। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको हाफ कैप्सूल ही लेना है, मींस हाफ कैप्सूल का लिक्विड ही लेना है, बाकी का आप अगले दिन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसको फेंक दीजिए, इस्तेमाल मत करिए। लेकिन स्किन ड्राई है तो आप पूरा इस्तेमाल करिए। यह आपको सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पे बादाम का तेल या जैतून का तेल भी ले सकते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये आपकी स्किन रिलेटेड लगभग सारी प्रॉब्लम्स को क्योर कर देती है और बहुत ही कम दाम में मार्केट में मिल जाती है। ये देखिए हमारा एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनके तैयार है। इसको हम फेस पे अप्लाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, गेहूं का आटा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप जैसे ही ये पैक हटाएंगे तो देखेंगे आपकी स्किन एकदम ब्राइटर नजर आएगी और साथ ही साथ 1 से 2 टोन तक आपको लाइटन भी दिखेगी। नहीं, मेरे कहने पे आप मत आइए, आप करके देखेगा, आप खुद ये बात नोटिस करेंगे। मींस तुरंत आपको ग्लो दिखेगा, तुरंत अपनी स्किन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी स्किन को टाइटन बनाने का काम करती है।
अगर आपकी स्किन धीरे धीरे लूज होने लगी है, फाइन लाइंस दिखने लगी है, तो आपको अपने स्किन केयर में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत बेहतर तरीके से वर्क करता है और साथ ही आपको कहीं बाहर जाके कुछ परचेज नहीं करना पड़ता है। गेहूं का आटा तो हम पर डे अपने घर में इस्तेमाल करते ही हैं। देन इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए फेस पे लगा रहने देना है। 10 मिनट्स में ये हल्का सा सूख जाएगा। देन आपको क्या करना है, जी नहीं, सीधे फेस वॉश नहीं करना है। क्या करना है वो मैं आपको 10 मिनट के बाद बताऊंगी। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, फेस पैक जो है हल्का सा सूख चुका है। इसको पूरी तरह से नहीं सुखाना है। अब करना क्या है, आपको फेस पैक के ऊपर से ही दूध लगाना है, मीन्स कच्चा दूध। आप कॉटन बॉल की हेल्प से भी लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ब्रश है तो मैं ब्रश से लगा रही हूँ। अच्छी तरह से पूरे पैक को कवर कर लेंगे इस तरह से। ये मैंने पूरे पैक पे अच्छी तरह से दूध अप्लाई कर लिया है। अब आपको हल्के हाथों से देना है मसाज, ताकि आटे की, दूध और विटामिन ई कैप्सूल की जो गुडनेस है वो स्किन के अंदर तक जा सके और हमारी स्किन को अंदर से निखार सके, मीन्स आपकी स्किन हेल्दी बन सके। आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट का हल्के हाथों से देना है मसाज। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर तरह की स्किन पे ये इंग्रेडिएंट सूट करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। तो मैंने मसाज कर लिया है, अब मैं आपको पैक हटा के दिखाती हूँ। आप चौंक जाएंगे क्या बढ़िया रिजल्ट आता है। ये देखिए, ये देखिए, मींस आपको ऐसा ग्लो दिखेगा कि आप चौंक जाओगे कि एक ही बार में स्किन इतनी ग्लोइंग कैसे हो सकती है, वो भी बिना खर्च किए। मींस जो भी इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किए हैं वो सारे आपको घर पे मिलने वाले हैं, कुछ भी आपको बाहर से नहीं लाना है। मैं अभी फेस वॉश करके आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया और सच मानिए स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड फील हो रही है, ग्लो अचानक बढ़ गया है और साथ ही साथ ब्राइटन भी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है स्किन थोड़ी सी फर्म हो गई है, टाइटन हो गई है। और मैं ये कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रही हूँ, ना ही मैंने यहाँ पे कोई मेकअप लगाया है, मैंने अभी का अभी फेस वॉश किया है। तो सिर्फ वीक में एक बार इस रेमेडी का एप्लीकेशन करके आप अपनी स्किन को पूरी तरह से हेल्दी और ग्लोइंग बना के रख सकते हैं। तो देर किस बात की है, आज से ही शुरू करिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज एक लाइक दिए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही रेमेडीज आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, करके देखिएगा, देन अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।